यहाँ पे ये दो शब्द हैं, दिस इज अगेन होमोफोन्स वाला पेयर, एक होता है ब्रीच और दूसरा बी आर डबल ई सी एच ब्रीच है। इस ब्रीच का मतलब तो ब्रेक करना हो गया, ठीक है, और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में ये लग रहा होता है, जैसे आप कहते हो ब्रीच ऑफ प्रिवेसी, ब्रीच ऑफ प्रिवेसी यानी किसी के वैयक्तिकता का उल्लंघन, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने किसी का ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसको आपने ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रीच अलग अलग इस तरह से सेंस में यूज होता है, जबकि ये जो ब्रीच है इसका मतलब होता है रियर पार्ट ऑफ अ गन, बंदूक का पिछला हिस्सा यानी बंदूक का बट जो होता है उसको आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीच। लेकिन साथ ही साथ वी हैव अ वर्ड लाइक ब्रीच बर्थ पोजिशन, ये भी ध्यान में रखो, ये बच्चे की पैदाइश के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ब्रीच बर्थ होता क्या है, जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आए और आते समय वो पैर की तरफ से अगर बाहर आता है तो उसको ब्रीच बर्थ पोजीशन कहते हैं। तो ये शब्द भी आपको सुनने देखने को मिलेगा, राइट। तो क्योंकि शरीर का जो अगला भाग है वो सर है, और जनरली सर से बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, लेकिन अगर वो बच्चा अंदर उलट गया और वो पैर की तरफ से बाहर आ रहा है तो, और डेफिनेटली वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको ब्रीच बर्थ पोजीशन कहते हैं, बी आर डबल ई सी एच, क्योंकि शरीर का पिछला भाग है पैर, और लिटरल जो मीनिंग हो गई वो क्या है, दैट इज रियर पार्ट ऑफ गन, बंदूक का पिछला हिस्सा।